हम पनीर के पकोड़े। तो और अब इसका हम बैटर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालें, इसे मिलाना शुरू करें। जैसे जैसे आप इसके मिलाएंगे, इसका एक बढ़िया सा बैटर इसका बनता जाएगा। थोड़ा सा हम इसमें डाल लेंगे मीठा सोडा, जिससे हमारे पकोड़े फूले फूले से बनेंगे। बैटर तैयार हो चुका है। तो हमने पनीर ले लिया है। पनीर को हम कट कर लेंगे। मैंने ये वाला साइज़ काटा है, आपको जो साइज़ अच्छा लगे आप वो काटिए। पनीर हमारा कट चुका है। अब पनीर को थोड़ा सा हम लगा देंगे इसमें सॉल्ट और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। हमारा सॉल्ट भी लग चुका है हर एक पनीर के टुकड़े में, और रेड चिली पाउडर भी लग चुका है। अब इसको हम बेसन में डीप करके बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो हमने कर दिया इसको बेसन में डीप, और अब एक एक करके इसको कढ़ाई में डालना है। तो ये डाल दिया हमने इसको कढ़ाई में। हमारा जो पनीर के पकोड़े हैं वो फूल चुके हैं और बढ़िया से फ्राई हो चुके हैं कढ़ाई में। अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर अपने अपने घरों में ट्राई करें और सबको बनाकर खिलाएं। हमारे पनीर के पकोड़े हो चुके हैं बनके रेडी। तो आइए इसे करते हैं बढ़िया से सर्व। एंड इट्स टाइम टू सर्व पनीर।